हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आमतौर पर सड़क पर ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहनना जरूरी होता है, लेकिन मैं आपको यूरोप के एक ऐसे शहर इस्टोनिया के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर 25 किलोमीटर लंबी सड़क है और जहाँ पर सीट बेल्ट पहनकर चलना गैर कानूनी है। आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों है, चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अब तक आपने देखा होगा कि सड़क पर सीट बेल्ट पहनकर चलना इतना जरूरी है कि अगर आपने इसमें लापरवाही की तो जेब खाली हो सकती है। सीट बेल्ट न पहनने पर चालान कटते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि आपको सीट बेल्ट पहनने के लिए मना किया जाए। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां ड्राइविंग करते वक्त कानूनी तौर पर सीट बेल्ट पहनने की मनाही है। आमतौर पर सड़क पर ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहनना जरूरी होता है, लेकिन इस्टोनिया में एक 25 किलोमीटर लंबी सड़क है जहां सीट बेल्ट पहनकर चलना गैर कानूनी है। ये यूरोप की सबसे लंबी आइस रोड है, यानी इस जगह पर सड़क कंक्रीट की नहीं बनी है बल्कि ये जमी हुई बर्फ है। यहाँ पर ड्राइविंग करने वाले लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनने की सख्त मनाही है और उनकी गाड़ी की स्पीड भी निर्धारित की गई है। यूरोप की सबसे लंबी आइस रोड बाल्टिक सी का ही जमा हुआ स्वरूप है जो ह्यूमा द्वीप की कोस्ट लाइन पर मौजूद है। यहाँ पर ड्राइविंग करना ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है दोस्तों, लेकिन यह ड्राइविंग से जुड़े नियम कानून इससे भी अलग है। इस रोड पर अगर ड्राइविंग करनी है तो गाड़ी की सीट बेल्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि इसे पहना गैर कानूनी माना जाएगा। इसके अलावा इस जगह पर गाड़ी की रफ्तार 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखनी होती है। सुनने में यह अजीब है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए यही जरूरी है। इस जगह को 13वीं सदी में कुछ सवारों ने आने जाने के लिए इस्तेमाल किया। चूंकि इस्टोनिया में बर्फ खूब पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोगों को यहाँ चलने की आदत है। इंसान छोड़े यहाँ के भालू, लोमड़े और अन्य जंगली जानवर शिकार के तलाश में यहाँ आते हैं। लोग इस रास्ते का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये उन्हें ज्यादा सहज और सस्ता लगता है। सर्दियों में लोग यहाँ गाड़ियों से भी आते हैं जब बर्फ सख्त हो जाती है। हालांकि सूरज डूबने के बाद यहाँ ड्राइविंग के लिए मनाही है। ड्राइविंग स्पीड इसलिए कम रखनी होती है क्योंकि बर्फ टूट सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको YouTube से प्यार है और आपको इसी तरह की न्यूज चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे सपोर्ट की सख्त जरूरत है। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक लिए जय हिंद।